Hello, my dear CSET students. A warm welcome to my lecture. This is Professor Praveen from ProWing CS, where we take care of your entire CS career. Friends, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, that is very, very, very useful for you all. जिन्होंने अगस्त में एग्जाम दे दी और जो नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो. सर, ऐसा क्या करने वाले हो आप? Now. फ्रेंड्स, यू पीपल नो, August 27th, 2020 को CSET का फर्स्ट एग्जाम हैज बीन ओवर एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कि स्टूडेंट्स ने CSET या CS कोर्स का पहला एग्जाम पहली बार अपने घर पे बैठकर अपने होम प्लेस पे लैपटॉप से कंप्यूटर से दिया. ठीक है, नाउ इट इज वेरी यूजफुल. अ न्यू ट्रेंड हैज बीन केम अप ड्यू टू अ COVID-19 पेंडेमिक, बट बहुत नई नई चीजें सीखने मिली, सीख बराबर नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात. तो सर, इसमें यूजफुल क्या है ये तो हमको भी पता है. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे CSET के अगस्त 20 में, वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ. है ना यूजफुल वीडियो? नाउ, अब सबसे पहले बिफोर आई डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू ऑल, दो तीन बातें मैं आपसे कह देना चाहता हूँ. सबसे पहला, आई एम थैंकफुल टू दोज माय CSET स्टूडेंट्स जिनके से बहुत देर तक बात करने के बाद मुझे क्वेश्चंस मिले. ओके, आई गॉट दिस क्वेश्चंस फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द CSET एग्जाम. उनके दिमाग की क्या दाद दूं, उन्होंने इतनी चीजें याद रखी. ठीक है, और मैं वो इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ देम. तो इस वीडियो का होल क्रेडिट गोज टू देम. सेकेंड, ये सारे क्वेश्चंस जो मुझे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से मिली हैं, ठीक है, मैंने इसका पूरा नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यू कैन डाउनलोड दैट नोट्स बाय क्लिकिंग ऑन अ लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर योर फ्रेंड्स. थर्ड पॉइंट, तीसरी ये बात है, ऐसे अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज लाने वाले हैं. मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर्स का के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, और बाकी के क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस हम सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे. यू बी इन टच, आप इस चैनल को ProWing CS को सब्सक्राइब कर लें फॉर योर बेनिफिट. ओके, इफ यू थिंक इट्स अ बेनिफिशियल, यू कैन सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर विद योर CSET स्टूडेंट्स एंड अदर CS स्टूडेंट्स. और भी CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, बहुत सारे वीडियोज हम अपलोड करने वाले हैं. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सारे आंसर डिस्कस करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन माय अदर सॉफ्टवेयर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, सो पेपर 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया. नाउ उसका पार्ट ए, दैट इज करंट अफेयर्स. फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड आपका टाइम बचेगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन कंडक्टेड अ वर्चुअल G20 समिट ऑन March 26, 2020 टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक. नाउ अब आपको क्वेश्चन पहला करंट अफेयर्स में, और एक्चुअली फ्रेंड्स अगर आप करंट न्यूज से अपडेटेड नहीं हो तो मालूम है अगस्त में स्टूडेंट्स की सब आंसर्स नहीं दे पाए होंगे. नाउ आपने करंट अफेयर्स में ICSI का मॉड्यूल पढ़ा होगा, यू हैव हर्ड अबाउट G20. ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं जो हर साल समिट करती हैं. समिट मतलब सम्मेलन, महासम्मेलन यू कैन से. और वो लोग अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वर्ल्ड की कॉमन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं, एक दूसरी कंट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और तभी तो ये ग्रुप्स बना है. हाँ कि ना? नाउ तो G20 समिट इस बार भी हुआ 2020 में, तो ये पूछा गया कि इस बार का G20 समिट किसने कंडक्ट करवाया, हु हैव कंडक्टेड G20 समिट, और वो भी वर्चुअल. नाउ गाइज, यू नो पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कंट्रीज आर क्लोज, एक से एक कंट्री दूसरे कंट्री में के अंदर जो पीछे फ्लाइट्स है दैट इज नॉट गोइंग ऑन, तो ऑफकोर्स दे हैव डिड वर्चुअल. पेंडेमिक COVID-19 की वजह से बहुत नुकसान हुआ है कंट्रीज का, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें लोगों ने सीखी, जैसे कि ऑनलाइन चीज़ें, और बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने बहुत पैसा कमाया. ऑनलाइन है, इंटरनेट है, वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग ऑन, वैसे ही वर्चुअल G20 समिट किया गया. और उन G20 कंट्रीज़ का सबसे बड़ा मुद्दा था कि COVID-19 जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, हाउ टू हैंडल दैट, हाउ टू फाइट विद दैट, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एंड यू नो व्हाट,
इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर. हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या गजब की स्पीच दी G20 में, बराबर. और सारे मेंबर्स ने मिलकर, आपको थोड़ी और ज्ञान दे रहा हूँ, सारे मेंबर्स ने मिलकर $5 trillion इन्वेस्टमेंट करना, मतलब इस दवाइयों के लिए, रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमिटमेंट किया है. $5 trillion फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड दे गोइंग टू इन्वेस्ट टू फाइट विद द COVID-19. नाउ दिस इज द न्यूज, बट हु हैव अरेंज दिस वर्चुअल G20? तो आपका आंसर है सऊदी अरेबिया. फ्रेंड्स द आंसर इज सऊदी अरेबिया, ठीक है. ये फर्स्ट आंसर हुआ. और मैं आपके लिए फोटोज भी बता देता हूँ. देखिए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वर्चुअल G20 नाउ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. द ग्रेट स्पीच दे हैव गिवन, वाओ. और यू नो द वे ही स्पीक इज वेरी फैबुलस, ठीक है. नाउ तो दिस वॉज द फर्स्ट आंसर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट आंसर नाउ. ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं अभी. ओके, तो फर्स्ट का सऊदी अरेबिया इज द आंसर, आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा. नाउ सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका नहीं है पापा. ओके, नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, द फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लिस्ट कमर्शियल पेपर ऑन NSE एंड BSE एक्सचेंजेस. अब सुनो 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 सुनो, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा दूं. व्हाट इज कमर्शियल पेपर गाइस? कमर्शियल पेपर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंकिंग कंपनीज कैन रेज शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, फॉर 1 ईयर. नाउ कमर्शियल पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके लिए लेमन टर्म में बात करूं मैं, इट्स शेयर्स देखें, डिबेंचर्स देखें, यस इट्स लाइक अ डिबेंचर्स, बट वी कैन नॉट कॉल इट डिबेंचर्स, वी कॉल इट कमर्शियल पेपर, क्योंकि डिबेंचर्स से लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं और पब्लिक को इशू करते हैं. कमर्शियल पेपर्स 1 साल के लोन के लिए है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, और इसमें नॉर्मली जनरल पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है. नाउ द बिग कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट इन दैट. और इसकी एक कमर्शियल पेपर की मिनिमम वैल्यू अभी फिलहाल नॉर्मल सी में 5 lakh rupees का इशू प्राइस होता है. ओके, तो इट्स अ 1 ईयर का लोन. तो आज तक का ये ट्रेंड रहा है फ्रेंड्स कि आज तक कमर्शियल पेपर सिर्फ बैंकिंग कंपनीज ही इशू करती थी, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने कमर्शियल पेपर को NSE BSE में लिस्ट करवाया. वो कौन सी कंपनी है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. तो योर आंसर इज आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड. योर आंसर इज आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है. कितना जबरदस्त करंट अफेयर्स, बराबर, आपको करंट चीज़ें याद रखनी है. और कमर्शियल बिल कैसा दिखता है, एग्जैक्ट फोटोज़ तो मेरे पास नहीं है, बट मैं एक फ़ोटो आपके लिए, एक पिक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. वेट, आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. सो दिस इज द कमर्शियल बिल, यू कैन से कमर्शियल पेपर, यू कैन से. ओके, इन दिस वे इट लुक्स लाइक, इट्स अ सर्टिफिकेट. अब तो डीमैट अकाउंट भी हो गए होंगे ना शेयर्स, क्योंकि अब डीमैट हो गए हैं, बट कमर्शियल पेपर्स आते हैं. इसमें लिखा होता है कि आपने कितना लोन लिया और कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, यू गोइंग टू गेट इट, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज. फाइन, तो सेकेंड क्वेश्चन आपको पता चल गया, फटाफट चलते हैं. तो फर्स्ट का आंसर सऊदी अरेबिया, सेकेंड का आंसर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड. अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, चलो फटाफट. नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रैकिंग COVID-19. ओ माय गॉड, COVID-19 की ट्रैकिंग के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा एप्लीकेशन बनाया? गाइज इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन यू यार, बराबर. नाउ फाइन, तो आप ही आंसर बता दो, आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव. क्या बोलते हो दोस्तों, आपके मोबाइल में भी वो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है यार, कम ऑन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ दैट क्वेश्चन द आंसर इज आरोग्य सेतु, बराबर, इट्स वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. देन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान से पढ़ते हैं. इन May 2020 द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ शेड्यूल private sector bank was arrested by ED enforcement directorate and was held under money laundering charges, barabar. What is the name of that bank? Oh ho ho ho, suno suno suno, main aapko kuch cheeze bata du.
सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी प्राइवेट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर को पकड़ लिया गया, अरेस्ट किया गया, ईडी लोगों ने पकड़ा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में। उस बैंक का नाम क्या है, उस आदमी का नाम क्या है, नहीं एमडी का नाम नहीं चाहिए, उस बैंक का नाम चाहिए जिसके एमडी को पकड़ा, बराबर। तो मैं पहले आपको आंसर बता दूं, इट्स अ यस बैंक, यस। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं फ्रेंड्स, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। गाइज, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा एक्टिविटी है, इट इज एन इलीगल एक्टिविटी, नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करते हो ऐसी चालाकी से कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता, और इकोनॉमी में पैसा घुमा लेते हो। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना नॉर्मल टर्म, लेकिन इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तो फिर भी ठीक है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग से टेररिज्म फाइनेंस होता है, तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। एंड यू नो व्हाट, इस मनी लॉन्ड्रिंग से के प्रॉब्लम को से डेवलप कंट्रीज भी अफेक्टेड है, ठीक है। और इसको हटाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, FATF, ठीक है, FATF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, हु विच इज़ द टोटल मेंबर्स आर अप्रॉक्स 39 कंट्रीज, जिसने मिलकर ये FATF ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एट अ वर्ल्ड लेवल। सोचो कितना सीरियस इशू है, बराबर, ये क्राइम है, बराबर। नाउ तो मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे भाई साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में फंस गए। इन्होंने बैंक के अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया, और कितना घोटाला किया, 5050 करोड़ का। बराबर, हमारे हिंदुस्तानी लोग 100-200 करोड़ तो देखते ही नहीं है दोस्त। और पूरी फैमिली को अरेस्ट किया गया। नाउ, और वो एमडी कौन से थे, यस बैंक के। उनकी मैं आपको महान आदमी की फोटो बताता हूँ। नाउ हु वाज ही, नाउ यस बैंक केस, ईडी फाइल्स चार्जशीट अगेन राणा कपूर। इनका नाम राणा कपूर है, दिखा आपको, ठीक है। ये है यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जिनको अरेस्ट कर लिया गया भाई, 5050 करोड़ का घपला किया, मनी लॉन्ड्रिंग की है, टेररिज्म फाइनेंस होता है, और भी बहुत गलत एक्टिविटीयां होती हैं। नाउ ये नहीं होना चाहिए था, तो लोग अपने पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप जब सीएस बनेंगे ये सब और स्टॉप कर देना, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बैंक के बाद तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ आप, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यस बैंक है, आप टिक मार्क कर लीजिएगा। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। एज ऑफ अप्रैल 2020 हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ IMF, बराबर करंटली IMF के कितने कंट्रीज मेंबर्स हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट, इट्स 189 मेंबर्स, ठीक है, ए इज द आंसर, और ये आपने पढ़ा भी है, ये आपके मॉड्यूल में भी है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन भी आ जाओ, सिक्स्थ क्वेश्चन इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ BIMSTEC, ठीक है, फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब सुनो, जैसे G20, G7, आप लोग ने अगर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पढ़ी है करंट अफेयर्स की, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में BIMSTEC करके भी है। नाउ BIMSTEC का समिट होने वाला है 2022 में, फ्यूचर की बात की है, वो कौन से कंट्री में होने वाला है, तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ BIMSTEC समिट 2022 विल बी हेल्ड इट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री में फिफ्थ समिट 2022 में होने वाला है। मैं आपको आंसर बता दूं, द आंसर इज श्रीलंका, यस। अब मैं आपको बताऊं, BIMSTEC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं। आ जाओ जरा फोटो देखें, ये देखिए, ये BIMSTEC का लोगो है, 7 कंट्रीज आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका, ओके, दिखा दिखा। नाउ ठीक है, तो सर फिफ्थ सम्मेलन कहाँ होने वाला है भाई, श्रीलंका में, बराबर। नाउ श्रीलंका में, ये देखो मेंबर कंट्री श्रीलंका। सर हमारे इंडिया में नहीं हो रहा क्या, गाइस सेकेंड समिट वॉज हेल्ड इन इंडिया दिल्ली, अब फिफ्थ समिट कहाँ होने वाला है 2022 में, अभी 2021 चल रहा है, बराबर, फ्यूचर का श्रीलंका कोलंबो सिटी में होने वाला है, फ्यूचर प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, बराबर, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं दोस्त, नाउ आगे चलते हैं, तो श्रीलंका इज द आंसर फॉर द सिक्स्थ। नेक्स्ट कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन फ्रेंड्स, टू इंडिकेट लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री विच इंस्टीट्यूशन हैव प्रपोज्ड क्रिएट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ बाय जुलाई 2020। अब देखो, उन्होंने ये पूछा है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स बनाने का प्रपोजल
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाने का प्रपोजल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, व्हाट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, बराबर ना मैं आपको बता देता हूं। डिजिटल पेमेंट आपको पता है, चलो चलते हैं थोड़ा सा पिक्चर पे। डिजिटल पेमेंट बराबर नाउ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल से एप्लीकेशन पे, गूगल पे है, जी पे है, देन पेटीएम है, देन रुपए है, भीम ऐप है, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, ये सब डिजिटल पेमेंट्स माने गए हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि डिजिटल इंडिया डेवलप हो, और इस बार तो COVID-19 एक ऑटोमेटिक प्रेशर था, एक नेचुरल कंसेप्ट था जिसमें डिजिटल पेमेंट्स गजब हुआ। मतलब जिसको इंटरनेट बैंकिंग ये एप्लीकेशंस नहीं आती थी उन्होंने भी सीखा। द ह्यूज डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। COVID-19 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लॉसेज हुए, लेकिन ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिनको बहुत प्रॉफिट हुआ। इंटरनेट बैंकिंग है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो डिजिटल का सेक्टर, डिजिटल पेमेंट्स का सेक्टर गजब ग्रो किया, बराबर है। नाउ अब जब कोई चीज़ रॉकेट स्पीड में ग्रो होती है ना फ्रेंड्स, तो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, उसको चेक करना ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ पे कंट्रोल नहीं लाना है, उसको बढ़ाना है। लेकिन अगर वो बिना कंट्रोल के बढ़ेगा तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स देंगी, हैकिंग होगी। तो RBI ने प्रपोजल दिया कि डिजिटल पेमेंट्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, वी शुड प्रिपेयर वन सिस्टम टू मॉनिटर ऑन इट। उसको ग्रो करो लेकिन उसके ऊपर चेक रखो, तो उसे इंडेक्स कहते हैं, उसकी ग्रोथ को मापने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, ताकि हम नए नए सॉल्यूशंस लेकर आएं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाएं, कोई घोटाले ना हो जाएं, इसलिए उसको मॉनिटर करने के लिए DPI लाया गया। तो इसका प्रपोजल RBI ने दिया। ऑफकोर्स RBI की जिम्मेदारी बनती है, जो भी मॉनिटरी कंसेप्ट होते हैं उसके लिए RBI जिम्मेदार है। तो योर 7th का आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग टिक मार्क करते जाइएगा, मैं रब करता जा रहा हूँ, बिकॉज दिस वीडियो आई एम मेकिंग फ्रॉम माय फ्रैंकली स्पीकिंग सेलफोन, बिकॉज आई वांट टू मेक इट अर्जेंटली, तो आई एम नॉट गोइंग ऑन माय स्टूडियो टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, ठीक है। मैं एक्साइटेड था जब मुझे क्वेश्चंस मिल गए आपके लिए बनाना, तो मैं बोला नहीं, मैं मोबाइल से बना के आई एम गिविंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन टू अपलोड इट। ओके, नाउ अल्टीमेटली नॉलेज मैटर करती है यार, बराबर। नाउ आप लोग को फायदे से मतलब है, मैं कहीं से भी रिकॉर्डिंग करूँ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, बराबर है ना? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर एट है, इन अप्रैल मई 2020 द वर्स्ट आउटब्रेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ लोकस्ट considered the most harmful for standing crops, बराबर। अच्छा, वेर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, गुजरात एक्सेट्रा। जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम करंट हुआ है। लोकस्ट अटैक हुए थे, आपको पता है लोकस्ट अटैक टिड्डे। नाउ आप लोग ने न्यूज़ भी सुनी होगी, और देखो क्वेश्चन क्या पूछा, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे लेवल पे भी क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ नाउ ठीक है, तो कौन से टाइप के टिड्डे ने हमारे इंडिया में, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में हमला किया और पूरे के पूरे फार्म लैंड्स को, खेतों में जो क्रॉप्स उगे हुए थे, ठीक है, उनको खा गए, उनको ध्वस्त कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, बराबर। नाउ वो कौन से टाइप के लोकस्ट थे? रेड लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट, मरुकन लोकस्ट और ब्राउन लोकस्ट। नाउ हे भगवान, इतने टाइप के टिड्डे होते हैं ना, अपने को इसमें रिसर्च नहीं करना ना। लेकिन टिड्डों का अटैक हुआ था, ये आपने सबने देखा था। गाइस 2020 पता नहीं कैसा साल है, इतने नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रहे हैं ना कि पूछो मत। दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं अटैक करने के लिए, बराबर है कि नहीं? ना मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ बताऊँ तो आपको समझेगा। कम टू दी फोटोज़ फ्रेंड्स, ये देखो टिड्डों का अटैक, आपके लिए कुछ फ़ोटोज़ लेकर आया हूँ। मालूम है जब मैंने ये फ़ोटोज़ निकाली ना, तो मुझे क्या याद आया, आपने वो मूवी देखी है द मम्मी करके, उसमें जो वो आपको पता है बुक्स खोलती है जिससे वो शैतान जाग जाता है, तो वहाँ से एक पूरा का पूरा एक उस रेगिस्तान में इतने सारे टिड्डे आते हैं, वो सेम वही टिड्डा अटैक है ये, और उसमें भी लोकस्ट ही दिखाए हैं, बराबर। और लोकस ने, और कितने टाइप के लोकस होते हैं ये देखो, डेजर्ट लोकस, माइग्रेटरी लोकस, बॉम्बे लोकस, बॉम्बे का भी लोकस है ट्री लोकस, ये मैंने नहीं बताया, मैंने फोटोज डाउनलोड किए हैं। तो कौन सा लोकस ने हमारे इंडिया में अटैक किया? तो गाइस वो है डेजर्ट लोकस्ट।
ठीक है। नाउ आपके लिए फोटोज लेकर आया हूँ टू मेक द वीडियोज इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो आपका आंसर है रेड लोकस्ट, सॉरी डेजर्ट लोकस्ट। ओके डेजर्ट लोकस्ट बी इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। इन अक्टूबर 2019 विच इंडियन क्रिकेट वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। ये क्रिकेट नहीं है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, CRICKETER क्रिकेटर वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। अब जो फ्रेंड्स जो क्रिकेट के फैंस हैं जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए गजब का क्वेश्चन था, फ्री फंड आंसर था बराबर। नाउ अभी अभी BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन से इंडियन क्रिकेटर बने हैं? तो गाइज बंगाल टाइगर सौरव गांगुली दादा बने हैं। सी आंसर नहीं है, बी आंसर है दोस्तों, ठीक है। बंगाल के टाइगर सौरव गांगुली नए बराबर प्रेसिडेंट ऑफ BCCI बने, और इस बार का जो इन्होंने डिसीजन लिया है मेरी नॉलेज के हिसाब से सुपर्ब डिसीजन है गाइस। 65 इयर्स में पहली बार कोई इंडियन क्रिकेटर BCCI का प्रेसिडेंट बना है, नहीं तो आजकल नॉन क्रिकेटर ही बन रहे थे। अब क्या है कि क्रिकेट प्लेयर जब प्रेसिडेंट बने हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं रिटायर्ड हैं तो उनको क्रिकेट की फीलिंग्स पता है, उनको क्रिकेट की ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स पता है, उन्होंने खुद से फील किया, तो दे विल गो टू टेक अ सुपर्ब डिसीजंस एंड सौरव गांगुली इज नोन टू टेक अ टफ एंड वेरी इफेक्टिव डिसीजंस बराबर। इस बार BCCI का प्लेयर्स का कुछ भला होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, नहीं तो पंगे ही होते रहते हैं। नाउ हम जरा दादा की फोटो देख ले क्या? सौरव गांगुली दादा वेर आर यू? हो देखो लिखा भी है बराबर। नाउ सौरव गांगुली हैव बिकम अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, कॉन्ग्रेचुलेशन सौरव जी। हाँ आगे बढ़े चलो। नाउ तो 9th का आंसर इज बी सौरव गांगुली। लेट्स गो विद द 10th क्वेश्चन। एट जुलाई 2020 हु इज सर्विंग एज द CEO ऑफ TCS? भाई TCS के CEO कौन बने हैं? CEO इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, TCS इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। एट प्रेजेंट TCS के CEO कौन हैं? तो मैं आपको आंसर दे दूं, राजेश गोपीनाथन। सर ये नटराजन चंद्रशेखरन कौन है? ये चेयरपर्सन है TCS के। सर सी ऑप्शन अजीम प्रेम जी है, अजीम प्रेम जी इज फाउंडर ऑफ विप्रो कंपनी एंड विशाल सिन्हा अलग हैं, ठीक है। राजेश गोपीनाथन इज द CEO ऑफ TCS। अब देखो ये बहुत ये करंट अफेयर्स है ना, इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़े थोड़े भारी पड़ गए बिकॉज वो इतने अपडेटेड नहीं थे, हाँ कि ना। उन्होंने खाली उतना ही पढ़ा जितना मॉड्यूल पे था, जबकि करंट अफेयर्स मॉड्यूल से आने वाली चीज़ ही नहीं है बराबर है। चलो कोई बात नहीं, बट देर आए दुरुस्त आए, बट आई विश अगस्त वालों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है क्योंकि पेपर्स कंपेरेटिवली बहुत ईजी थे, फर्स्ट अटेम्प्ट था, पास हो जाएंगे, बेस्ट ऑफ लक टू देम। नाउ राजेश गोपीनाथन इज द आंसर। आपको फोटो बताऊँ? फोटो यार मैंने आपके लिए ना फोटो का कलेक्शन लाया है, तो अगर आपका मूड भी नहीं है ना फिर भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पीछे लिखा है, मीट द न्यू CEO ऑफ TCS राजेश गोपीनाथन। हेलो सर, ठीक है, वेरी गुड अचीवमेंट्स, इनके बारे में पढ़िए। अपने को भी CS करने के बाद इन सब कंपनियों की कंपनी सेक्रेटरीज बनने हैं, नाम करना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगली बार मतलब आफ्टर बिकमिंग CS कभी कोई क्वेश्चन आए, हु इज़ द न्यू कंपनी सेक्रेटरी बराबर ऑफ TCS, आपका नाम आना चाहिए। आई बी प्राउड, फीलिंग वेरी प्राउड कि कोई कंपनी सेक्रेटरी TCS का CEO बनेगा बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनवरी 2020 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन साइंड MOU विथ NPA नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी ऑफ अफ्रीकन कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल LPG प्रमोशन पॉलिसी आइडेंटिफाई द कंट्री। क्या बोलना चाहता था मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहता था फ्रेंड्स। इसमें ये लिखा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आपको पता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो ऑयल एंड पेट्रोल बाहर की कंट्रियों से खरीदती है, ओके और साइंड MOU, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NPA नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी। नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी
बराबर। नाउ एक अगेन ऑयल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ए घाना, मतलब इसका आंसर घाना है, ये तो कंफर्म हो गया, बराबर। नाउ अब है ना, हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी है, उन्होंने नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी के साथ, जो अफ्रीकन कंट्री की एनपी है लेकिन कंट्री घाना है, ठीक है, उसके साथ एमओयू साइन किया है। क्या साइन किया है एमओयू, किस तरीके का एमओयू है? नाउ फॉर इम्प्लीमेंटिंग एलपीजी प्रमोशन पॉलिसी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पॉलिसी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने नाउ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया था, बराबर है, थोड़ा सा लिंक बता रहा हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट समझे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन में 50 मिलियन लोगों का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको फ्री में एलपीजी गैस सप्लाई की गई, और इसका करीबन खर्चा है 80 बिलियन रुपीज़ अप्रॉक्स, ठीक है। नाउ इतना खर्चा किया, और उज्ज्वला योजना, घर घर में चूल्हा बंद किया गया, बिलो पॉवर्टी लाइन के घरों में, गरीबों के घर में होने का गैस चलाओ, ठीक है, गैस सप्लाई की, गजब, एंड इट वाज सुपरबली सक्सेसफुल एट अ ग्राउंड लेवल। उससे ये जो एनपीए है, नेशनल, अच्छा कहा जाता है नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी हैव सो कन्विंस कि जब हम 130 करोड़ पॉपुलेशन में एलपीजी पॉलिसी इतने अच्छे से इम्प्लाई कर सकते हैं, तो ये एनपीए जो घाना कंपनी की ऑयल कंपनी है, इन्होंने कहा कि हम आपके साथ एमओयू साइन करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करें, हमारी कंट्री में चलकर हमें गाइड करें कि हम हमारी पॉपुलेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली एलपीजी सप्लाई करें ताकि पॉल्यूशन कम हो। नाउ दे गेट अ ऑयल सप्लाई ऑल्सो, दे गेट अ एलपीजी गैसेस ऑल्सो, उस सब में सपोर्ट करने के लिए हमारी कंट्री के कंपनी से हेल्प मांगी है, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, अदर कंट्रीज आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अस, दे आर मेकिंग अस अ रोल मॉडल, ओके, मेरा भारत महान। नाउ फाइन, तो वो कंट्री का नाम है घाना। जब वो ये एमओयू साइन हो रहा था, मैं उसकी आपको फोटो बताऊँ, ये देखो, इंडियन ऑयल साइन एमओयू विद घानाज नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी, फोटो देख रहे हो, फोटो, ये देखो निगरो लोग, बराबर है, दे आर एक्सचेंजिंग द बुक्स, दे आर साइनिंग डील विद अस, हाँ कि ना, यस 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 ना, चलो 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 फाइन, आगे चलते हैं। तो योर आंसर 11th का इज बी, ओके। नाउ 12th क्वेश्चन, फास्ट गाइज, मैं रब कर देता हूँ पूरी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डिप्लोमैट्स इज अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया इन अक्टूबर 2019। अब मेरी बात सुनो, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करने के लिए कौन से नए हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया गया इंडिया से? जो हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? तो गाइस, उनका नाम है अनुमुल्ला गीतेश शर्मा, ये नए डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है। अब सर ये हाई कमिश्नर क्या है, डिप्लोमेट्स क्या है? गाइस, एम्बेसी सुना है, एम्बेसडर्स, हाँ, उन्हीं के लेवल का एक हाई कमिश्नर भी अपॉइंट किया जाता है जो डिप्लोमेटिक डीलिंग्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी डीलिंग्स होती हैं उनके लिए रोल मॉडल प्ले करते हैं, उनके लिए वहाँ पर बात की जाती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है, इट्स लाइक एन एम्बेसडर्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट एट अ पैरेलल लेवल। तो अभी जो नए अपॉइंटमेंट 2019 में, उनका नाम है अनुमुल्ला गीतेश शर्मा, ओके। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग मोर टू एक्सप्लेन इन इट। नाउ आप ध्यान रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, 13th वाला क्वेश्चन। इन नवंबर 2019 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया paved the way for ArcelorMittal to take over which of the following company? ओहो, आपको पता है, आपने एक चीज़ realize की, आपके exam में political questions current affairs आए, फिर आपके exam में business के current affairs आए, हाँ कि ना, mostly, ठीक है, ये दोनों चीज़ों से ज़्यादा focus किया गया, और international पे थोड़े globalization levels पे, हाँ कि ना, yes, आप हमारा प्रोविंग सी एस का इंस्टाग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करो, आई विल, आप इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च कीजिए प्रोविंग सी एस, गाइज करंट अफेयर्स पे
बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ फॉर नवंबर पीपल. आप याद रखेंगे कि किस टाइप में है. देयर आर मेनी मोर वीडियोस विल गेट अपलोडेड. जस्ट बी अपडेटेड विद अस फ्रेंड्स. मज़ा आएगा. ठीक है, जस्ट फॉर योर बेनिफिट्स. अदरवाइज सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है, नाउ अगर आपको लगता है कि कुछ अपडेट्स मिलने वाले हैं, हम बहुत सारी चीज़ें माई आर प्रो विंग CS टीम इज़ वर्किंग वेरी इफेक्टिवली फॉर योर बेनिफिट्स. चलो आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, सॉरी टॉपिक से हटने के लिए ना. हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, आर्सलर मित्तल. सबसे पहले चीज, डू यू नो आर्सलर मित्तल, सुना है कभी ना? मैं बताता हूँ, लक्ष्मी निवास मित्तल. चलो मैं आपको पहले फोटो बताऊँ यार, ऐसा मज़ा नहीं आएगा. ये देखिए, पीछे नाम भी लिखा है आर्सलर मित्तल. मिला, ये जो बंदे हैं ये इंडियन है बट ही इज स्टेइंग समवेयर इन यूरोप. इनका नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल, द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूरोप. बराबर, नाउ इंडियन है, प्राउड टू बी. बराबर, इनकी स्टील इंडस्ट्रीज है. पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ तो आपको समझेगा. आपको पता है इन्होंने एक कंपनी के साथ कुछ सालों पहले मर्ज किया 2006-07 में. पहले इनकी मित्तल इंडस्ट्रीज थी, फिर उन्होंने आर्सलर कंपनी को खरीद लिया एंड दे बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट, नंबर वन चल रहे हैं अभी. और मालूम इनकी खास बात क्या है लक्ष्मी निवास मित्तल की, इन्होंने आज तक जितनी भी कंपनियां खरीदी आर्सलर को छोड़कर, मेजॉरिटी कंपनीज इन्होंने बैंकरप्ट कंपनियां खरीदी, कंगाल कंपनियां, और वो लॉस मेकिंग कंपनीज छोड़ो, कंगाल कंपनियां खरीदी और उनको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करके दिखाया. एंड दैट्स व्हाई लक्ष्मी निवास मित्तल इज नोन टू बी एन सेवियर ऑफ इंडस्ट्रीज. यार बैंकरप्ट कंपनियों को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना, मतलब व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही कैन हैंडल, व्हाट लेवल ऑफ ब्रेन ही हैव. आई सल्यूट हिम, ही इज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर, है ना? तो अब इनकी कंपनी है आर्सलर मित्तल. अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्सलर मित्तल को इंडिया की कौन सी कंपनी खरीदने की परमिशन दी. चलो आ जाओ. बराबर ना, तो वो कौन सी कंपनी है जिसे खरीदा गया, दैट इज SR स्टील. SR स्टील इज द कंपनी. आपको न्यूज दे दूँ थोड़ी सी, करंट न्यूज, SR स्टील हैव बिकम अ बैंकरप्ट. हाँ, बैंकरप्ट हो चुकी हैं, तो उस कंपनी को खरीदता कौन? तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्सलर मित्तल को ये परमिशन दी कि वो हमारी इंडियन कंपनी जो बैंकरप्ट हो चुकी है SR स्टील को खरीद सकते हैं, उनके क्रिएटर्स को पे करें. एंड दे हैव पेड समथिंग 42,000 करोड़ समथिंग राइट नाउ, सम आई डोंट कैच मी इन द फिगर्स, व्हाट दिस काइंड ऑफ फिगर्स दे हैव पेड to the creditors, to make the payment to the creditors of SR Steel, and they have purchased this company now. यार bankrupt कंपनियों को खरीदना बहुत बड़ी बात है. I salute him. Profit making कंपनियां तो कोई भी खरीदता है. चलो आगे चलते हैं. तो 13th का आंसर SR Steel है. 14th पे आ जाओ. In 2019, who among the following was unanimously elected as a speaker of 17th Lok Sabha? Speaker, सबसे पहली चीज तो ये सुनो, आपने लोकसभा और राज्यसभा में जब मीटिंग्स होती हैं, जब सेशंस चलते हैं, तो क्या आपने कभी देखा है, यूट्यूब पे देखिए किस तरीके से डिबेट होते हैं, मिनिस्टर्स लड़ते हैं, बराबर है, झगड़ते हैं, डिस्कशंस करते हैं, एक्ट पास करते हैं, उन सब की भाषण सुनता कौन है? वहाँ पे बैठे मेंबर्स तो सुनते हैं, लेकिन एक स्पीकर होता है, हाँ कि ना, जो इनमें कोऑर्डिनेशन करवाता है, झगड़े मिटाता है, चिलम चाली बंद करवाता है, डिस्टर्बेंस बंद करवाता है, कभी देखिए. तो ये स्पीकर का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है ना, एक्ट भी पास लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर्स के सामने पास होते हैं, बिल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्ट, स्पीकर्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ तो ये कह रहे हैं कि 17th लोकसभा के स्पीकर कौन चुने गए, यूनानिमसली दैट इज ओम बिरला. गाइस बहुत ही गजब के बंदे हैं, इनकी एक क्वालिटी है, बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी है. ये गुस्सा भी करते हैं ना, तो इतना प्यार से गुस्सा करते हैं कि सामने वाले को इंसल्ट भी फील नहीं होता और सामने वाले इनकी बात मान भी जाते हैं. यार हम गुस्सा करते तो सामने वाले इंसल्ट फील करते हैं, ये तरीका इनसे सीखना चाहिए. मैं इनकी फ़ोटो दिखाना चाहूँगा. नाउ द वे ही मैनेज, देखो इधर भी सबको चुप कर, चुप रहो, बराबर, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए. नाउ इनसे ये भाषण बहुत अच्छा सीखें,
मीठे से किसी से गुस्सा करना ये एक आर्ट है, नो वन कैन डू दिस, वेरी रेयर, वेरी फ्यू पीपल्स आर देयर. ये है ओम बिरला, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन स्पीकर अगेन ऑफ लोकसभा 17th लोकसभा. तो पॉलिटिकल कंसेप्ट आ गया ना बराबर. नाउ तो योर आंसर इज ओम बिरला, 14th का ए इज द आंसर. नाउ अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ इन अप्रैल 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स. हु हैज बीन ओके तो हु हैज बीन अपॉइंटेड. अब सुनो लास्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स. गाइज मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, दैट इज राजेश वर्मा, करंट अफेयर्स राजेश वर्मा. दीज आर द 15 क्वेश्चंस आई हैव गॉट बराबर फ्रॉम द स्टूडेंट्स विच आई हैव डिस्कस विद यू ऑल. एन्जॉय करें, इन क्वेश्चंस को पढ़ें. पॉलिटिकल आपको एक चीज़ और बता दूँ, द पर्पस बिहाइंड दिस डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज, जिन्होंने अगस्त में एग्जाम दे दी हैं वो ये क्वेश्चंस को चेक कर लें, और जो नवंबर में देने वाले हैं वो एक चीज़ देखें कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस पॉलिटिकल अफेयर्स और बिजनेस करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, है ना. थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नवंबर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक टू द अगस्त ये स्टूडेंट्स फॉर द रिजल्ट्स. ठीक है, हम मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में फ्रेंड्स. एग्जीक्यूटिव में भी हम बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, आप हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए. इफ़ यू गेट कन्विंस्ड यू कैन परचेज June 21 एग्जीक्यूटिव के वीडियो लेक्चर्स, बराबर वेरी क्वालिटी टीचिंग, आपको बहुत मज़ा आने वाली है. आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वी हैव यू नो अपलोडेड द वीडियो हाउ वी आर टीचिंग बाय अभिषेक सर, प्लीज़ वॉच इट. ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग एनीवेयर एल्स यू प्लीज़ डू सम रिसर्च अबाउट अस. ठीक है, नाउ अपने दोस्तों से पूछो हमारे बारे में, आप लोग को पता चलेगा, एंड देन टेक द अकॉर्डिंग डिसीजन. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी 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 मच.